फतेहपुर के खागा स्टेशन से कुछ दूरी पर एक बड़ा हादसा हो गया। इसमें दो सर्विस ट्रेनों की भिड़ंत में लगभग 17 कर्मचारी घायल हो गए। जीएमआर कंपनी के लोको मालगाड़ी और एलएनटी टावर कार में जोरदार टक्कर हो गई। सभी कर्मचारी बाईपास रेलवे लाइन के कार्य में लगे थे। जानकारी के अनुसार एलएनटी गाड़ी में सवार होकर पटरियों को चेक करने का काम चल रहा था। इस दौरान अपलाइन में दोनों गाड़ियां आने से हादसा हो गया। लोको मालगाड़ी रेलवे की पटरियों को प्रयागराज से कानपुर की ओर लेकर जा रही थी। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर घायल 8 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिरोजाबाद के पचोखरा थाना क्षेत्र में एक और वी आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़कर थर्ड ईयर के छात्र का शव गर्ग कोल्ड स्टोरेज के पास निर्माणाधीन बिल्डिंग में पड़ा मिला। वहीं शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये मेरे भाई है, मुझसे बड़ा भाई है, ये BAMS कर रहा है, थर्ड ईयर का छात्र है। मैं हॉस्पिटल गया था तो मेरे पास फोन आया था इनके एक मित्र का कि तेरे भाई कुछ हो गया, यहाँ पे आ जा। तो उनके पास फोन गया था, उस मित्र का नाम क्या था? अंकुश, ठीक है। और जो जिसके पास आए थे उसका नाम है संदीप शुक्ला, उससे इनका पैसे का लेन देन था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने इनकी हत्या की। थाना पचोखरा स्थित ग्राम परतापुर में गर्ग कोल्ड स्टोरेज के बगल में एक भूखंड पे एक युवक का शव प्राप्त हुआ, जिसमें शव के बगल से इंजेक्शन और सिरिंज भी प्राप्त हुई है। इसके संबंध में परिजनों की ओर से कुछ लोगों पर आरोप लगाया गया है, इसकी जांच की जा रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।